हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 12। और लेक्चर नंबर 12 में हम जेकोबियन को डिस्कस करेंगे और जेकोबियन में टू वेरिएबल के जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और उसका ही हमने प्रॉपर्टी और डिफिनेशन लिख के रखा है। तो जेकोबियन होता क्या है? जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, फंक्शन का। डिटरमिनेंट में भी सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में दोनों में एक फर्क है, दोनों में कुछ अलग है। क्या अलग है? मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि दो ऑर्डर और तीन कॉलम के भी मैट्रिक्स आपको मिला, ठीक है, और आपने सॉल्व भी किए होंगे। 3x3 ऑर्डर का आपको मिला होगा, ठीक है, 3x4 ऑर्डर का आपको मिला होगा, ठीक है, अगर आप कंपटीशन के लगाएंगे तो 3x4 ऑर्डर का मिलेगा। लेकिन डिटरमिनेंट्स में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि दो का कॉलम और तीन का रो मिला हो, या तो हम कह सकते हैं कि दो का रो और तीन का कॉलम मिला हो। डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, जितना कॉलम होगा उतने ही रो होगा, ठीक है। बेसिकली रो है क्या? एक्स एक्सिस अपना। रो को हम पहले इसीलिए तो लिखते हैं, क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और कॉलम क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। कॉलम क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। तो डिटरमिनेंट्स में अगर आप देखें तो हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है, यानी कि 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का। आइए जरा डिफिनेशन पर। जेकोबियन इज अ फंक्शनल डिटरमिनेंट। जेकोबियन क्या है? एक फंक्शनल डिटरमिनेंट है, ठीक, यूजफुल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। इनका हम प्रयोग करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं हम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कार्टेशियन से पोलर में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन मल्टीपल इंटीग्रल्स में। जब आप मल्टीपल इंटीग्रल्स पढ़ोगे वहां पे आप देखोगे कि जेकोबियन का जो है हम यूज करते हैं और पार्शियल का यूज करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन से हम पोलर में जाते हैं, सिलेंड्रिकल में जाते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं। ये मल्टीपल इंटीग्रल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे और बड़ा इस्तेमाल है इनका मल्टीपल इंटीग्रल में। तो जेकोबियन एक फंक्शनल डिटरमिनेंट होता है जिनका हम प्रयोग करते हैं वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। कार्टेशियन से पोलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इन मल्टीपल इंटीग्रल्स। आइए अब आगे चलते हैं। इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, यदि यू और वी आपके दो फंक्शन हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के, तब जो डिटरमिनेंट आपका होगा वो क्या होगा? डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, डिटरमिनेंट अगर डाल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई इज कॉल्ड जेकोबियन, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? जेकोबियन। फिर से रीड आउट करते हैं। यदि आपके पास में यू और वी दो फंक्शन गिवन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लो एक्स और वाई का, तब जो डिटरमिनेंट आपका होगा वो होगा डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, यानी कि यू को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये v को एक बार x के रिस्पेक्ट में, v को आपको एक बार y के रिस्पेक्ट में करना है। इसी को हम लोग जेकोबियन कहते हैं। इनको जो है हम सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय, या बाय कहें डेल x कॉमा y, और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो जेकोबियन को हम लोग j लेते हैं, ठीक है, j ब्रैकेट u कॉमा v। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे में चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी जेकोबियन का क्या होता है। यदि हम आपको प्रॉपर्टी टू वेरिएबल का करवा रहे हैं तो जितना
लेक्चर नंबर 12 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे टू वेरिएबल का मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन थ्री वेरिएबल का हम टच नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको टू वेरिएबल का कराया है, ठीक है। या और आप कह सकते हैं कि 2/2 ऑर्डर का ही आपको डिटरमिनेंट्स का हम जेकोबियन फंड आउट करेंगे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है, जिसको हम लोग चैन रूल भी के नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 चैन रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आइए जरा। इफ यू कॉमा वी आर फंक्शन ऑफ आर एस, यदि यू और वी फंक्शन है आर एस का, वेयर आर कॉमा एस आर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन जहां पे आर और एस दोनों फंक्शन है एक्स और वाई के, तो उस केस में जो आपका जेकोबियन होगा वो क्या होगा, डेल यू कॉमा वी बाय डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डेल यू कॉमा वी बाय डेल आर कॉमा एस इनटू डेल आर कॉमा एस बाय डेल एक्स कॉमा वाई। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा चेन रूल के नाम से। आने की अगर आपको निकालना, अगर u और v फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और x और y के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। या तो आप इसको फाइंड करना है तो या तो आप r और s के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप निकाल लो, ठीक है, या तो आप उसको रेसिप्रोकल करो, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा बहुत काम आने वाला है, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 हमारा बहुत काम आएगा, कंफ्यूज मत हो। तो आप कैसे निकालेंगे, यदि आपके पास में यू और वी दो फंक्शन गिवन है आर और एस का, जहां पे आर और एस जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो आप ये प्रॉपर्टी नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। आगे में चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी मदद करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, If u and v are the function of x and y, यदि u और v function है x और y का, then del u comma v by del x comma y into del x comma y by del u comma v is always equal to 1. दूसरा तरीका यह है कि J1 into J2 is always equal to 1. अब करोगे क्या, यहां सब समझो ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है। ये प्रॉपर्टी हमसे ये कह रहा है कि यदि आपके पास में U और V दो फंक्शन गिवन है X और Y का, ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल में होगा। प्रोडक्ट किस फॉर्म में का देखिएगा, यदि आपने डेल यू कॉमा वी को एक्स के एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिए, तो आप उसकी वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है, और वहां से आप ऑब्टेनिंग कर लोगे, क्या ऑब्टेन करोगे, यदि आपको बोला गया है यू और वी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करके दिखाओ क्या जेकोबियन आता है, तो यह प्रॉपर्टी आपको उस प्लेस पे बहुत काम आएगा। फिर से रिकॉल करवाते हैं, यदि आपके पास में दो फंक्शन गिवन है यू और वी का, ठीक है, सॉरी, यदि आपके पास में यू और वी जो है फंक्शन गिवन है एक्स और वाई का, ठीक है, और आपको पार्शियल डेरिवेटिव में यह कहा गया कि आप फाइंड करें, ठीक है, फाइंड करें आप डेल एक्स कॉमा वाई बाय डेल यू कॉमा वी, तो आप क्या करेंगे, या तो आप फंक्शन को चेंज करो, या तो आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और ये वैल्यू निकालने बोला है तो यहां पे ये वैल्यू निकाल के यहां रख दो, ठीक है, और इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, तो ये फंक्शन पता चल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको u और v का फंक्शन ना दे के x का x के टर्म में फंक्शन दे दे और आपसे बोले u और v के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, या तो u और v के टर्म में आपको दिया हुआ फंक्शन x y है, ठीक है,
और अगर आपको बोला जाए एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो आप ये वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू यहां रखो, रखने के बाद में उसको राइट पे शिफ्ट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। मैंने एल्गोरिथम बता दिए, अभी हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत मजा आएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, क्योंकि हम लेक्चर 12 में ओनली टू वेरिएबल का ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जो तरीका अपना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन को लेके सॉल्व करने का, बिल्कुल वही कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे। उसके बाद में हम थ्री वेरिएबल की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक कॉपी किया, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैकोबियन का। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू r cos थीटा कॉमा y इक्वल टू r sin थीटा, फाइंड डेल एक्स कॉमा वाई बाय डेल आर कॉमा थीटा एंड डेल आर कॉमा थीटा बाय डेल एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गिवन है उसको कॉपी करेंगे। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हमारे पास में दिया गया है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा दिया गया है, ठीक है। हम फाइंड कर रहे हैं डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल थीटा और डेल वाई बाई डेल आर डेल वाई बाई डेल थीटा, ठीक है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको तो एक्स वाले जो वेरिएबल है, यानी कि एक्स वेरिएबल इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है, फंक्शन कह सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको क्या करना है, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने ये देखा था कि यदि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और वाई में फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते थे, बिहेव करते थे, ठीक है, उसी प्रकार से हम यहां पे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई पार्शियली With respect to r comma theta, ठीक है, x और y को हम r और theta के respect में partially differentiate करेंगे। पहले तो हम x वाले को करते हैं, तो del x by del r, ठीक है, r के respect में करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे अगर देखिए function तो r cos theta है, ठीक है, first function हम r को मान लेंगे, second function हम cos theta को मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया और सेकंड फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। प्लस होता है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा को हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम फर्स्ट फंक्शन को, यानी कि हम आर को डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, तो आर को तो ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं। देखिए, आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पे थीटा का कह सकते हैं कि वेरिएबल है, फंक्शन है, थीटा के थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये पूरा आपका टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा का यानी कि जीरो हो जाएगा। आगे में चलते हैं, कॉस थीटा को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है, यहां वेरिएबल भी हमारा आर है या फंक्शन हमारा आर है, तो आर का डिफरेंशिएशन यानी पार्शियल डेरिवेटिव वन होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो प्लस cos थीटा को 1 से करेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा यहां से हमें cos थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूरा एक एक स्टेप को शो करना है, ठीक है, ठीक। अब निकालते हैं डेल x बाई डेल थीटा, कि x वेरिएबल या x फंक्शन जो गिवन है, x फंक्शन इक्वल टू r cos थीटा, उसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल x बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, फिर वही करने वाले, फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे और सेकेंड फंक्शन का जो है हम वो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है, प्लस
सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए आर को तो हमने यहां से कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो माइनस साइन थीटा होता है, आगे ले लू माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्लस कॉस थीटा को हमने कॉपी कर लिया और देखो थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव और यहां हमारे पास फंक्शन आर है तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है जीरो हो गया, कोई बात नहीं। आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, यानी कि अपने पास में मिलेगा डेल एक्स बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, ठीक है ये हमें मिल गया यहां से। ठीक और इसको एक स्टेप हमने यहां से बचाया है, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर अब हम करते हैं जिस तरीके से हमने एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए बिल्कुल वैसे ही हम वाई फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए जरा तो डेल वाई बाय डेल आर इज इक्वल टू, ठीक है यहां पे आप करना क्या है कॉस थीटा की प्लेस पे साइन थीटा है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने तो आर को माना है और जो सेकेंड फंक्शन है वो साइन थीटा है, फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ेंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ देना है और सेकेंड यानी फर्स्ट फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन यानी कि आर को, तो आर को कर लो कॉपी, कर लिया। देखो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां हमारे पास फंक्शन थीटा है तो ये हो गया जीरो, ठीक है। प्लस लिख दिया साइन थीटा, कॉपी कर लिया हमने, ठीक। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वेरिएबल भी आर है तो इसका आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा वन हो जाएगा, अच्छी बात है। आगे में चलेंगे डेल वाई बाई डेल आर इज इक्वल टू, ये तो मिलेगा जीरो प्लस साइन थीटा, तो डेल वाई बाई डेल आर अपने को मिल गया यहां से साइन थीटा, ठीक है। हम इसको कैसा करते हैं कि सर्कल कर देते हैं ताकि फंक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कहां है, ठीक है आसानी होगा हमारे लिए जब डिटरमिनेंट्स हम बनाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा इसको ढूंढना। थर्ड बचा हुआ है उसको करते हैं यानी डेल वाई फंक्शन को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में यानी डेल वाई बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर को छोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे जी साइन थीटा को, प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे हम आर को, ठीक है। तो देखो आर का कॉपी करो आर को, ठीक। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो कॉस थीटा होता है, कॉपी कर लिया प्लस साइन थीटा कॉपी। अब देखो यहां मिस्टेक लिखा हुआ, यहां थीटा है, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल है आर तो मिलेगा ये आपको क्या जीरो, इसको ये तो देखो जीरो हो जाएगा, जीरो को ऐड करेंगे इसके साथ में तो यही मिलने वाला, तो डायरेक्ट लिख दूं आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने तो ये फाइंड आउट कर चुके हैं। आइए आगे में चलते हैं और आगे में हमें फाइंड क्या करना है डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा, ठीक है। चलो तो डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में रखा जाए वैल्यू को, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल आर कॉस थीटा है, लिख दो डेल एक्स बाई डेल थीटा आपके पास में आया हुआ माइनस आर साइन थीटा, लिख दो, ठीक है। और डेल वाई बाय डेल आर आया आपके पास में साइन थीटा, लिख दो। उसके बाद में डेल वाई बाय डेल थीटा आर कॉस थीटा है। चल अब डिटरमिनेंट्स का कुछ अपना रूल होता है, क्या होता है वो देखिए। अब देखो ध्यान रख लेना, अगर हम मल्टीप्लाई इस तरीके से डायगोनल यानी कि कॉस कॉस में करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस फंक्शन को फर्स्ट रो निकल
ठीक है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है, तो ये माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस इसको ध्यान में रखना है। तो कॉस को मल्टीप्लाई आर कॉस थीटा के साथ करोगे, आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लेना बेटा, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन चलता है, ठीक है, इतना तो पता होगा ना। देखो माइनस होता है लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दू, नहीं करते हैं, शो करके दिखा देता हूं, आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना। तो यहां से मिलेगा हमें आर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर को कॉमन ले लो, आर को कॉमन लोगे तो हम साइन को पहले लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन, तो आर इंटू वन फाइनली मिल जाएगा आर, किसका वैल्यू आया यहां पे अगर देखा जाए तो डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा, ये वैल्यूज आ गया आपके पास में। चलते हैं वापस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा फाइंड डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा, ये हमने तो निकाल लिया है हमसे, और आगे में कहता है एंड डेल आर कॉमा थीटा बाई डेल एक्स कॉमा वाई, ये भी हमें निकालना है। तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी नंबर वन, क्या था प्रॉपर्टी नंबर वन जरा ध्यान दीजिएगा, डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा इंटू डेल आर कॉमा थीटा बाई डेल एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज इक्वल टू वन, वन के बराबर होता है। आपके पास वैल्यू क्या है ये जरा फोकस करें, तो फोकस करने के बाद में आपको वैल्यू है डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा का, तो आप यहां पे रखें, आर मैंने रख दिया, कॉपी किया मैंने डेल आर कॉमा थीटा बाई डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन, इस वन वन को तो ऐसे ही रहने दो, आर को शिफ्ट कर दो आप किधर, राइट हैंड साइड, तो फाइनली आपको मिल जाएगा डेल आर कॉमा थीटा बाई डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन बाई आर। देखो मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा, डिवाइड में होगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये रिजल्ट यानी कि जो फाइंड करने के लिए बोला गया है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो टाइम टेकन तो होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये एग्जांपल था एमपी वाले का। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वन प्लस वी कॉमा वाई इक्वल टू वी इंटू वन प्लस यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फंक्शन हमारे पास में गिवन है एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वन प्लस वी और y हमारे पास में गिवन है v इंटू वन प्लस यू। फाइंड करना है हमें डेल x कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना, तो इसका हम डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं, डेल x बाई डेल यू डेल x बाई डेल v, ठीक है, एक बार x को u के रिस्पेक्ट में, एक बार v के रिस्पेक्ट में, उसी प्रकार से हम y का करेंगे डेल y बाई डेल u और डेल y बाई डेल v, ठीक है। चलो आगे में चलते हैं, तो अब करना क्या, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, तो डेल x बाई डेल u, ठीक है, x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिमिलर अब क्या करेंगे, जो u इंटू वन प्लस वी है इसको तो मल्टीप्लाई मत करो यार, u को आप सिंपली जो है
फर्स्ट फंक्शन मान लो और वन प्लस बी को आप सेकेंड फंक्शन मान लो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, छोड़ दिया, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन प्लस बी प्लस सेकेंड फंक्शन को आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, छोड़ दिया, u को करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन है, इसी तरीके से करेंगे, u को कॉपी करो, ठीक है। देखो हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां फंक्शन यानी कि वेरिएबल अपने पास में क्या है, v है, तो ये तो जीरो हो जाएगा भाई, प्लस वन प्लस बी को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, u का डिफरेंशिएशन करोगे वन आएगा, ठीक है, यानी फाइनली आपके पास में क्या मिल जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, को काउंट करना ही बेकार है, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस बी मिलेगा आपको, डेल एक्स बाई डेल यू, यहां से आपको पता चल गया। इसी प्रकार हम एक्स को वी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल वी, सिमिलर यू को छोड़ना है, छोड़ दिया फर्स्ट फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, वी के, तो वन प्लस बी प्लस वन प्लस बी को छोड़ दो, छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल v है यहाँ, ठीक है, तो पहले तो u को करो कॉपी, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और v का वन, तो वन लिख दिया डायरेक्ट, अगर आप शो करना चाहे कर सकते हैं, लीजिए जीरो प्लस वी वन, वी नहीं वन प्लस वन प्लस वी, और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास फंक्शन है u, तो ये जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, जीरो को u से करेंगे तो जीरो मिलेगा, u को वन के साथ करेंगे तो u मिल जाएगा, ये तो पूरा फंक्शन जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे भी चले। अब y फंक्शन को हम देखते हैं और u के v, u और v के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो y आपके पास में गिवन है v into 1 plus u, del y by del u is equal to first function, second function, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया कर, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया और सेकेंड फंक्शन का जो है हम वो डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक, चलो सेकेंड का तो आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, छोड़ दो, छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का करो आप डिफरेंशिएशन, ठीक, वी को कॉपी कर लो, देखो यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन का जीरो, यू का वन, सो कर देता हूं, जीरो प्लस वन प्लस वन प्लस यू को कॉपी कर लिया, v के v यहां पे फंक्शन दिया गया है, करना है हमें u के रिस्पेक्ट में, तो ये तो फाइनली जीरो, मल्टीप्लाई करो तो v को जीरो से जीरो, ठीक है, जीरो आ जाएगा, और v को वन से तो v जोड़ोगे तो v मिलेगा, और ये तो पूरा आपका जीरो हो गया, तो शो करना जरूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर करते हैं डेल वाई बाई डेल वी में, यानी वी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो छोड़ दो फर्स्ट फंक्शन को, छोड़ दिया, डेल वाई डेल वी वन प्लस यू, वन प्लस यू को छोड़ देना है आपको, ठीक है, और वी के रिस्पेक्ट में करना है फर्स्ट फंक्शन को, वी को हमने कॉपी कर लिया, अब यहां पे देखें कि फंक्शन है आपका u में, करना है v में, तो ये तो फाइनली जीरो लिख दिया करो, प्लस वन प्लस यू, ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो वन आएगा, मल्टीप्लाई करो जरा से, ये तो जीरो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस यू मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि फाइनली मिलेगा वन प्लस यू, ये आ गया डेल वाई बाई डेल वी, ठीक है, कोई निकालना क्या, डेल एक्स कॉमा वाई है ना, ये निकालना, चलिए चलते हैं, तो डेल एक्स कॉमा वाई बाय डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू, देखिए डिटरमिनेंट क्या होता है, तो डेल एक्स बाय डेल यू आपने निकाल के लाया वन प्लस बी, कॉपी, उसके बाद में डेल एक्स बाय डेल वी यू लाया आपने, कॉपी, उसके बाद में डेल वाई बाय डेल यू आपने वी लेके आया, कॉपी, डेल वाई बाई डेल वी आपने लेके आया वन प्लस यू,
कॉपी। अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, याद रहे प्लस माइनस। ठीक है, जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस यू माइनस यूवी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा सा, 1 को 1 के साथ करोगे तो 1 मिलेगा, 1 को u के साथ में करोगे तो u मिलेगा। ठीक है, v को 1 के साथ करोगे v मिलेगा, v को u के साथ में करोगे तो uv मिलेगा, और माइनस uv। देखो ये कैंसल आउट होगा तो फाइनली क्या मिलेगा, अरेंजमेंट करके लिखोगे u प्लस v प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यूज है और ये क्वेश्चन आपका यूपीटू में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को बाबू लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखो यार एक ही क्वेश्चन हो पाएगा बोर्ड में, क्योंकि प्रोसेस को शो कर रहा हूं ना, तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो ऐसा है कि पहले इसे कॉपी करो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया पहले उसको करवा रहे हैं, और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, यानी कि टेस्ट योर नॉलेज में आप जाके देखेंगे एनपी वाली में, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, उसके बाद में और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले इसे देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर वी सेक यू कॉमा वाई इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर वी टेन यू, देन एब्सोल्यूट डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी। ठीक है, जो गिवन है सबसे पहले मेरे हिसाब से उसे कॉपी करो, तो x इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर वी सेक यू, और y इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर वी टेन यू हमारे पास में दिया गया है, और कह रहा है कि आप निकालो डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, निकालते हैं, पहले हम तो x को करेंगे u के रिस्पेक्ट में, ठीक, फिर हम x को करेंगे v के रिस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे y को u के रिस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे y को v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमने डिटरमिनेंट आपका बना दिया। ठीक है, ट्राई करें, हम तो करेंगे ही करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x और y को u और v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल x बाई डेल u, पहले हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या करोगे वही तरीका अप्लाई करोगे जो हमने बताया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। ठीक है, मान के करोगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव sec u, sec u को छोड़ दो, एक बार कर लिए बेचारे को, दोबारा प्रेशर मत करो। e टेंडिंग टू पावर v, e टेंडिंग टू पावर v को कॉपी किया जाए, कर लिया। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो sec थीटा का आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, क्या होता है sec u इंटू टेन यू प्लस sec u को कॉपी किया जाए, और e टेंडिंग टू पावर क्या है v है, v के वेरिएबल आने के भैया ये तो बनने वाला है 0, कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई इसको करोगे 0 हो जाएगा, 0 को इसमें ऐड करोगे क्या होगा, यही फंक्शन मिलेगा, तो कॉपी कर दिया जाए, स्टेप बचा रह जाए, कर देगा। ठीक, तो यहां से हमने डेल एक्स और डेल यू, यानी डेल एक्स बाई डेल यू तो निकाल लिया। ठीक है, डेल यू कह दो, थोड़ा देख लेना आगे, डेल एक्स बाई डेल वी, वी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्स से यानी कि फंक्शन एक्स का हम वी के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, एक बार यू के रिस्पेक्ट में, एक बार वी के रिस्पेक्ट में, एक बार u के रिस्पेक्ट में, एक बार v के रिस्पेक्ट में। सिमिलर y, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कॉपी किया जाए e टेंडिंग टू पावर v sec u का डिफरेंशिएशन 0। पूछो क्यों, इसलिए 0 होगा क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो v के रिस्पेक्ट में,
यहां पे फंक्शन है यू, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल का रूल याद रखना है, इसको जीरो नहीं करना यार, सेक यू को कॉपी कर लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, पावर में चलते हैं, वी का वन हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो मिलेगा, ठीक है, और जीरो को ऐड करोगे इस फंक्शन में तो यही फंक्शन मिलेगा, नहीं कि लिखते हैं ई टेंडिंग टू पावर वी सेक यू। तो यहां से देखो एक्स फंक्शन का तो हमने कंप्लीट कर लिया यू और वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब अपने को करना है किसमें, y के रिस्पेक्ट में। आइए चलते हैं, इस फंक्शन को मिटा दिया जाए और यहां tan को लाया जाए, ठीक है, tan u, ठीक। आगे में चले, आइए डेल y बाई डेल u, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड का करो डिफरेंशिएशन, tan u है सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस tan u को कर लो कॉपी, कर लिया, और फर्स्ट फंक्शन का करोगे आप डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो कॉपी कर लो e टेंडिंग टू पावर v को, tan u का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर होता है, और u फंक्शन है तो भैया u ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। tan u को कॉपी कर लिया और u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन है v तो जीरो, फाइनली क्या मिलेगा e टेंडिंग टू पावर v sec स्क्वायर u, ये जीरो को ऐड करो भैया यही मिलेगा, याद रखें। सिमिलर y को करते हैं v के रिस्पेक्ट में, ठीक, फर्स्ट फंक्शन छोड़ छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे x लिख रहा है यहां पे, है ना, जबकि हम कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, तो tan u प्लस tan u कॉपी, और आप डिफरेंशिएशन करोगे e टेंडिंग टू पावर v का, ठीक है। e टेंडिंग टू पावर v को कॉपी कर लिया, tan u का डिफरेंशिएशन देखो यहां पे अगर वेरिएबल देखो तो u है और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फाइनली ओवरऑल जीरो, ठीक है, ओवरऑल मतलब प्लस से पहले वाले, tan u कॉपी करेंगे और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल v है, वाह क्या बात है, e टेंडिंग टू पावर v, अगेन पावर का करेंगे वन, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आपको मिल जाएगा इट टेंडिंग टू पावर वी टेन यू, ठीक है, डेल वाई बाई डेल वी आ चुका है अपने पास में, ठीक है। चलिए डिटरमिनेंट में रखिए सबका वैल्यू, तो डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल यू ई टेंडिंग टू पावर वी सेक u into tan u, है ना, e tending to power v sec u, del y by del u है आपके पास में e tending to power v sec square u, और del y by del v है e tending to power v tan u, यहां से हाथ को रोका जाए। हम ऐसा करते हैं बंधु लोग, ध्यान देना कि फर्स्ट कॉलम से, क्या मैंने कहा, हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट कॉलम से e टेंडिंग टू पावर v और sec u को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जितना बोला गया है उतना किया जाए, ठीक है। तो चलो ले लिया e टेंडिंग टू पावर v sec U को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास में मिलेगा tan u और एक sec यहां मिल जाएगा, यानी कि tan u और sec u, इसको कॉपी कर लिया, ये जैसा वैसे ही कॉपी करो, अभी दिखाएंगे जरा सा कुछ जादू दिखाएंगे, है ना, जादू दिखाएंगे, देखो जादू में क्या दिखेगा, ठीक है। हम अब ऐसा करते हैं कि सेकेंड कॉलम से e टेंडिंग टू पावर v को बाहर लेते हैं, जब आप बाहर लेंगे तो देखो क्या होगा, e टेंडिंग टू पावर v, सीखो यार मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, चलो
इसको भी बाहर लिया, sec u को कॉपी कर लिया, हाथ को स्लो कर दिया, तो यहां से मिलेगा tan u sec u sec u tan u, ठीक है, घबराओ मत। इसका प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, e tan into power v into e tan into power v equal to e tan into power v square, इस तरीके से भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो लिखा जाता है, यानी कि e tan into power 2v, ठीक है, तो लिख दो डायरेक्ट e tan into power 2v sec u। अब चलो प्रोडक्ट करते हैं तो ये मिलेगा भैया tan square u माइनस होता है sec square u, ठीक है। अब आपने पढ़ा है क्लास टेंथ में क्या, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, ठीक है। हम tan को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे तो मिलेगा क्या, देखें ध्यान रखें, 1 is equal to sec square theta, अपनी पोजीशन से हिलना पसंद नहीं किया, प्लस था तो माइनस हो गया tan square theta, यानी कि अगर इस तरह का फॉर्मेट बन जाए तो हम इसकी प्लेस पे वन को रख सकते हैं, बना लेते हैं। चलो थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, e tending to power 2v, बड़ा टू वी sec u माइनस sec u माइनस नहीं प्लस होगा tan स्क्वायर u। अब क्या करें, माइनस को हम बाहर ले देते, देखो एक एक स्टेप को शो करना मेरा मकसद है, ठीक है, बहुत को प्रॉब्लम आता है यार स्टेप को जो है नहीं फॉलो कर पाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते, तो मैं इसीलिए एक एक स्टेप शो करता हूं, जिसको अच्छा लगे वो देखें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक करके निकले, ठीक है। माइनस को बाहर ई टेन इंटू पावर टू वी सेक यू, ठीक है, देखो माइनस को कॉमन लोगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर u माइनस tan स्क्वायर u। अब इसकी जगह पे वन रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, रखो माइनस e tan into power 2v sec u, फाइनल अपना आंसर है, चेक करो, ठीक है। और इसका वैल्यू है तो ये यहां से हम वैल्यू दिखा देते, डेल x कॉमा वाई बाय डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू इतना, ठीक है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। क्वेश्चन फोर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वी कॉमा वाई इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय यू माइनस वी, फाइंड डेल यू कॉमा वी बाय डेल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, कि इस वी को इधर शिफ्ट करो, फिर आप डायरेक्ट ये वैल्यू ऑब्टेंड कर लो, यहां पे भी सिमिलर करना है आपको, ठीक, या तो हम एक्स आने की कहने के बजाय करके दिखाते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी गिवन है, y इक्वल टू हमारे पास गिवन है u प्लस वी बाई यू माइनस वी, अगर हम निकाल लें डेल x कॉमा y डिवाइडेड बाई डेल u कॉमा v इक्वल टू, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, देखते रहो डेल x बाई डेल u डेल x बाई डेल y, y नहीं भाई v हो गया यहां पर, डेल वाई बाई यू और डेल वाई बाई डेल वी, ठीक, यानी कि हमें निकाल लेते हैं ये, उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर टू लगाएंगे, इजिली आंसर आ जाएगा, करके दिखाते हैं, देखिए तो एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग ऑफ एक्स एंड y with respect to u and v, ठीक है, u comma v कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, del x by del u,
ठीक है, हम x फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या गिवन है u और v, अपना तरीका, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक एक स्टेप शो करना है। u के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ऐसे ही करना है। हाँ u को कॉपी कर लो, देखो u के रिस्पेक्ट में कर लो, वेरिएबल यहां अरे फंक्शन क्या है v है, तो 0 प्लस v को कॉपी u के रिस्पेक्ट में करो तो 1 मिलेगा, फाइनली क्या मिलेगा v, यहां से आ गया del x by del v, 8 निकल। सिमिलर u है यहां पे, v नहीं है ठीक, ये भी u है तो v लग रहा है ठीक है, तो del x by del v, v का करोगे तो क्या आएगा, सो करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट लिखने तो लिख ही सकते हैं, u को छोड़ दिया v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ दो u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, ठीक है u कॉपी v का डिफरेंशिएशन 1, v को कॉपी u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, फाइनली क्या मिल जाएगा यहां से u मिल जाएगा del x by del v, ठीक है आगे चले मार पर निकाल दो दूसरी, ये परेशान हो गया कह रहा नहीं चल पाऊंगा मुझे भूख लग रही, कोई बात नहीं मत चलो भाई। सिमिलर वाई का करते हैं, लेकिन यहां पे आपको जो है डिवीजन रूल पता होना चाहिए, ठीक है डिवीजन रूल पता होना चाहिए, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जरा डिवीजन के बारे में थोड़ा रिकॉल करवा दूं, तो याद रखें अगर फंक्शन यू और वी के फॉर्म में है, यू और वी के, तो फॉर्मूला लगाओगे क्या लगाओगे, पहले आप वी का डिफरेंशिएशन करोगे ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में मान लो हम एक्स की कर रहे हैं, सपोज है फॉर्मूला बना रहा हूं कंफ्यूज मत हो, यू का कर लिए यू को छोड़ दो, फिर वी का करना है ठीक है एक्स के रिस्पेक्ट में, और बाई वी स्क्वायर होता है ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करना है बेटे, अपने हमने कर्तव्य को पालन किया है आप भी करें। चल तो वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, अगर बहुत सारे के माइंड में चलता होगा यार इसको इनवर्स लेके हम कर लेते, कर लो यार प्रोडक्ट के फॉर्म बिल्कुल कर सकते हो, ये आपका यू है और ये आपका वी है ठीक है, तो डेल वाई बाई डेल यू इज इक्वल टू, क्या करना है फॉर्मूला देखो जरा सा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ना छोड़ दिया, डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम इसके न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को ठीक है, तो यू प्लस वी, माइनस होता बीच में u माइनस वी को छोड़ दो, सॉरी u प्लस वी को छोड़ो, डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे किसको, डिनोमिनेटर वाले को, तो u माइनस वी है आपके पास में, u को सही लिख दो कोई नहीं 4 समझ ले, और डिवाइडेड बाय u माइनस वी का होल स्क्वायर, ये होता है ठीक। देखो आगे में चल, u माइनस वी को हमने कॉपी कर लिया आराम से ठीक है, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वी जीरो हो जाएगा, चलो जीरो प्लस यू का वन, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का शो करना चाहिए, यू माइनस नहीं प्लस ठीक है, अब देखो यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन और वी का जीरो, डिवाइडेड बाय यू माइनस वी का होल स्क्वायर ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे वन को करेंगे इससे तो भैया यू माइनस वी मिल जाएगा, जीरो से करेंगे जीरो मिलेगा, सिमिलर माइनस यू प्लस वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यू माइनस वी आएगा होल स्क्वायर ठीक है, ओपन करें ब्रैकेट को तो यू माइनस वी, माइनस से प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस ठीक है, अच्छा ये पूरा कट रहा है क्या, अच्छा जी स्टिक कर दिया ठीक दिख गया, यहां हमें इस फंक्शन को छोड़ना है यू माइनस बी ठीक है, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाना जरा एक मिनट, फंक्शन क्या है अपने पास में, फंक्शन बिल्कुल करेक्ट कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया यू माइनस बी को छोड़ दिया, फिर हमने डिफरेंशिएशन यू प्लस बी को किया, माइनस होता है यू प्लस बी को हमने छोड़ दिया और यू माइनस बी ऐसे रहने दिया, वन माइनस जीरो ठीक है ये माइनस में है कोई बात नहीं है, और यू माइनस वी को इसको प्रोडक्ट यू के साथ में करेंगे यू आ जाएगा, वी के साथ में करेंगे माइनस वी आ जाएगा ठीक है, और माइनस है
u का करेंगे तो माइनस यू आ जाएगा, ठीक है, और v को करेंगे तो v माइनस आ रहा है, जीरो तो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है ठीक है, क्योंकि ये कैंसल आउट, नहीं, सही बेटे सही, हमारा जो माइंड का कंसेप्ट खराब हो गया, ये कैंसल आउट होगा, माइनस टू वी बाय यू माइनस वी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर करेंगे वी के लिए, तो डेल वी, अच्छा वाई को कर रहे हैं, डेल वाई बाय डेल यू इज इक्वल, चलिए फर्स्ट फंक्शन को यानी कि हमने यू को वी को छोड़ देना है, तो यू माइनस वी को छोड़ दिया, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम यू को, तो v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u प्लस v माइनस u प्लस v को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में ना, तो u माइनस v, देखो यार कटे नहीं, u माइनस v, नहीं तो आप लोग कहोगे यार कट गया, इधर थोड़ा करके चलते हैं, तो u माइनस v को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से वन मिलेगा, ठीक है, माइनस यू प्लस वी और इंटू माइनस मिलेगा, यू का तो जीरो, इसका माइनस वन, यू माइनस वी का होल स्क्वायर, सॉल्व करें जरा सा, सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा यू माइनस वी और माइनस माइनस प्लस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां से कैंसिल क्या हो रहा है, वी और वी कैंसल आउट, यानी कि टू टाइम्स ऑफ यू बाई u माइनस वी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये, चलिए रखिए वैल्यू को, जब आप वैल्यू रखने जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा v, ठीक है, सेकेंड फंक्शन आपने निकाला था यहां पे u, इसको हटा दो यार, और फिर आया है माइनस टू टाइम्स ऑफ v बाई u माइनस वी का होल स्क्वायर और 2u बाई u माइनस वी का होल स्क्वायर, थोड़ा जगह बचा के चके चले, क्योंकि फंक्शन अभी हम वहां अपनी जगह पे आए नहीं है मंजिल पे, तो टाइम को बचाना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2uv बाई u माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, और देखो ये माइनस होता है माइनस पहले से, तो प्लस 2uv बाई u माइनस वी का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो u माइनस वी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, 2uv प्लस 2uv हमें मिल जाएगा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे इस तरीके से करते हैं इधर, ठीक है, तो आपको फाइनली क्या यहां से मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ u बाई v u माइनस वी का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये वैल्यू आया है किसका, तो ये वैल्यू आया है डेल एक्स कॉमा वाई बाय डेल यू कॉमा वी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ यू वी बाय यू माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया हुआ है, हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है डेल यू कॉमा वी बाय डेल एक्स कॉमा वाई का, आइए जरा सा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वी नो दैट डेल यू कॉमा वी बाई डेल एक्स कॉमा वाई इंटू डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल यू कॉमा वी इज ऑलवेज इक्वल टू वन होता है, इसकी वैल्यू आपने निकाल के लाए हो, रखो तो डेल यू कॉमा वी बाई डेल एक्स कॉमा वाई इंटू 4 टाइम्स ऑफ यू वी बाई यू माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको पलट दो यार, नहीं पलटना कोई बात नहीं, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, फाइनली लिख रो बेटे जगह नहीं है, डेल यू कॉमा वी बाई डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी का होल स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ यू वी, ये आपका आंसर है, देखो यार
टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा, कितना स्टेप को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और कहीं कहीं बेटे अगर मिस्टेक हो तो थोड़ा जो है ना ध्यान रख लेना, ये दिख नहीं रहा अच्छा से, तो हम इसको सही से बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे कोशिश किया जाता है कि एरर नहीं आए, और कभी आ जाए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, मुझे लग रहा था, हुआ तो नहीं था, लग रहा था कि कैंसर आउट में मुझे ये थोड़ा सा आगे पीछे नजर आ रहा था, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना चार दिख जाते हैं, दो की जगह चार दिखने लगता है, तो वैसे मेरा साथ में हो गया था, ठीक है। कॉपी किया था। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल 4 की तरह है, ठीक है, बस फंक्शन चेंज है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इफ यू इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई, वी इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड डेल यू कॉमा वी बाई डेल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पास फंक्शन गिवन है यू इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई, और वी गिवन है एक्स इंटू वाई, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, उसको भी लिख ही लेते हैं ना, यू कॉमा वी बाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, डिटरमिनेंट बना दो, बना दिया, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है, लिख दिया आपने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और इस पूरे फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, तो एक्स को छोड़ दिया और हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस वाई का, प्लस 1 माइनस वाई को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स का, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो ये फंक्शन तो 0 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल अपने पास में क्या है, 1 कांस्टेंट है और वाई है, तो वाई का 0, कांस्टेंट का भी 0, ये पूरा टर्म को हम एज अ कांस्टेंट टर्म बिहेव करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स को कॉपी कर लिया, 0 हमने लिख दिया, प्लस 1 माइनस वाई को हमने कॉपी कर लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाएंगे एक्स का, तो 1 मिलेगा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, जरा सा मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई मिल जाएगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स तो भाई यहां से हमें मिल गया है, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, निकालते हैं डेल यू बाई डेल वाई, वाई निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया हमने एक्स को, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कर दिया, सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे, छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर दिया। अच्छा यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हमने, ठीक है, एक्स को कॉपी करो, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, देखो ये तो हो जाएगा 0, यहां से मिलेगा क्या, इंटू 1 माइनस वन, प्लस 1 माइनस वाई इंटू 0 हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा, -x। तो डेल यू बाई डेल वाई तो भाई एकदम इजीली निकल गया यहां से हमें, ठीक है। अच्छा धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात, धोखा दे रही है दुनिया। चलो आगे भी चलेंगे, और आगे में चल के हम निकालते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, थोड़ा सा और निकाल लेते हैं हमें जितना देर ये बर्दाश्त कर पाए, ठीक है। तो देखो यहां पे फंक्शन है एक्स वाई के फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाई को माना हमने, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई को कोई बात नहीं बर्दाश्त कर लेगा, वाई नहीं कर पाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक्स को कॉपी कर लिया, वाई का डिफरेंशिएशन, 0 नहीं कर पाया बर्दाश्त, ठीक है, चेंज कर लो, वाई को कॉपी कर लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो ये तो मिला 0 प्लस y, फाइनली क्या मिलेगा यहां से y, तो यहां से मिल गया डेल v बाई डेल x। अब निकालते हैं डेल v बाई डेल y, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, सो की स्टेप को सो करेंगे, x फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
सेकेंड फंक्शन को छोड़ना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें, फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, ठीक है, रहने दो कोई बात नहीं, एक्स को कॉपी कर लो, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी पार्शियल डेरिवेटिव। देखो डिफरेंशिएशन बोलो इसका मतलब ये है पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। हम जल्दी बोलने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, असल में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई का कितना करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे वन मिलेगा, प्लस वाई, देखो यहाँ वेरिएबल एक्स है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, तो ये मिलेगा जीरो, लेकिन दिखा देते हैं y into 0 मल्टीप्लाई करो। अच्छा कितनी बार मैंने लिख दिया दो बार, कोई बात कोई बात, into 0, ठीक। तो x यहां से मिल जाएगा del v by del y, चल रख दो वैल्यू को, जैसे आप रखेंगे तो मिलेगा यहां से आपको del u comma v by del x comma y is equal to 1 minus y minus x minus plus y x यहां आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो x को मल्टीप्लाई 1 के साथ में, x x को मल्टीप्लाई माइनस y के साथ में, x y माइनस पहले होता है माइनस पहले से आ रहा है दोनों, कोई बात नहीं। तो x माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, ये कैंसल आउट होगा, फाइनली क्या मिला, x मिला, डेल u कॉमा v है ना, तो इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 7 करवाते हैं, जितना जगह है अपने पास तो कर ही लेते हैं, उतना छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं बेटे, आपका ये बुक का है 7, ठीक है। अच्छा अपना क्वेश्चन होगा 6, 7 है लेकिन ये 6 है। इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, find del x comma y by del u comma v, ठीक ये हमें निकालना है। एक क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद में, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमें निकालना है del x comma y by del u comma v, यानी कि u के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम जल्दी में करेंगे, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। तो del u by del x इज इक्वल टू, देखो y का तो जीरो हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सिमिलर डेल यू बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं तो ये कितना मिलेगा, एक्स का तो जीरो हो जाएगा, वाई का, अरे भाई एक्स का देखो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो, ठीक है। तो यहां से मिलेगा माइनस टू वाई, ठीक। आगे में चलते हैं, अब करते हैं हम वी का, ठीक है। तो डेल वी बाई डेल एक्स, यहां से देखो इसका डिफरेंशिएशन करो यार, छोड़ोगे भी ना एक्स को तो मैं करके बताता हूं, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टू वाई होगा, ठीक है, और वी को आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा टू एक्स, जगह कम था इसको शो करने को उतना जरूरत नहीं था। आगे में जो निकालना है वहां चलते हैं, तो निकालना हमें डेल यू कॉमा वी बाई डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल एक्स नहीं डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई, ये होता है, ठीक है। वैल्यू रखो जरा सा, वैल्यू रखेंगे तो 2x, अच्छा माइनस 2y, अच्छा 2y 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो
मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको यहां से 4x2, ठीक है, और माइनस पहले से तो प्लस 4y2, ठीक है, 4y2, ठीक, 4 को कॉमन लेंगे तो ले लो, मिल जाएगा x2 प्लस y2, और ये आपका आंसर है, ठीक है, यही निकालना था हमें। तो इस क्वेश्चन में तो इतना यार जान नहीं था, इसलिए मैंने एक दो स्टेप को जंप कर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा डाइजेस्ट करो, क्वेश्चन ने भी थोड़ा डाइजेशन किए, अच्छा ज्यादा मैंने कुछ गंदा कर दिया, ठीक है, ठीक, ये आंसर है। अच्छा इसको ये ज्यादा खराब हो रहा है, वाई स्क्वायर बेटे हमने नहीं करना चाहिए, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग नहीं करना चाहिए, पेंटिंग के चक्कर में पेंटिंग ही खराब, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 7 में हमसे कहता है इफ यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई एंड वी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फाइंड डेल u कॉमा v बाई डेल एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 है बालिका, तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका दो वेरिएबल का, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे 3 वेरिएबल का, और 3 वेरिएबल का भी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने की कोशिश करें, हम भी करेंगे, अब भी लगाएं, आइए सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास में y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है, और v हमारे पास में गिवन है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये हमारे पास में दिया गया है, निकालना है हमें डेल u कॉमा v बाय डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यू को हम एक बार एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, वी को दोनों के रिस्पेक्ट में डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई, ठीक, चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो इस पूरे फंक्शन को मैं यू मान लूंगा, इस पूरे फंक्शन को वी मान लूंगा, ठीक, और इस तरह का क्वेश्चन एक हम करवा चुके हैं, तो वी को हमने छोड़ दिया 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम यू को, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यू है वाई माइनस एक्स, माइनस होता है बीच में, ठीक है, वाई माइनस एक्स को छोड़ देंगे, आने की यू को छोड़ देंगे, है ना, यू बोलते थे यू लिखा जाता है जिस तरीके होता है ना फोन पे, हम जब बात करते हैं कि मुझे सूज लेना है तो क्या करते हैं, जो कंपनी होते हैं वो हमें सूज दिखाना चालू कर देते हैं जब हम कॉलिंग पे बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारी बात जो प्रोडक्ट जो कंपनी सेल करते हैं वो भी सुन रहा है, ठीक है, तो डेटा को ऑफ करके बात करना चाहिए, याद रखना आगे ना, और खास करके उन लोग के लिए है जो सोना मोना बाबू वाले हैं, आगे भी चलेंगे भाई, 1 प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस एक्स वाई को तो हमने कॉपी कर लिया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y 0 x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, यानी कि माइनस 1 होगा भाई, माइनस वाई माइनस एक्स को कॉपी कर लिया, और यहां देखा जाए प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो 1 का 0 हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बेटा यहां वाई मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह कम पड़ेगा, अब मैं भी थक रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई, यहां भी छूटा होगा 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है,
कुछ कैंसल, ये तो कैंसल आउट, वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फाइनली अपने को यहां से मिल गया, क्या मिल गया, माइनस को बाहर ले लेते हैं, वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, डेल यू बाई डेल एक्स का, सिमिलर कर लेते हैं डेल यू बाई डेल वाई का, ठीक है। तो v को छोड़ देंगे, वन प्लस एक्स वाई, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे u को, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में। पूरा एक एक स्टेप को हर क्वेश्चन में शो किया है, लेकिन थक रहा हूं मैं भी, तो कोई बात नहीं, इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। वन प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें, थोड़ा सा एक दो स्टेप जंप करूंगा, ज्यादा नहीं। देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x जीरो हो जाएगा, यानी कि इस टर्म को कॉपी करो, वन प्लस एक्स वाई, ये तो जीरो जरूरत नहीं है, वन y का, ठीक है, माइनस y माइनस x को कॉपी कर लो, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर लो, वन का जीरो x मिलेगा, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ओपन करके लिखते हैं, वन से मल्टीप्लाई वन को, वन वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को, तो एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई वाई के साथ में करेंगे, माइनस एक्स वाई मिलेगा, ये कैंसल आउट, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। फाइनली क्या मिला आपको, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अभी एक वाई एक फंक्शन का निकाला है, सिर्फ किसका, यू का, वी का बचा हुआ है, वी तो छोटा है, हो जाएगा, ठीक है। नाउ डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, तो देखो एक्स वाले को ही करना नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना आसान हुआ। सिमिलर करेंगे डेल बी बाई डेल वाई का, तो एक्स वाले जीरो हो जाएंगे, वाई का होगा, तो यानी कि माइनस वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, देखो कितना आसान होगा, ठीक है, डरा मत करो, डर के आगे जीत है, वॉन्टेड यू पिया तो होगा, नहीं पिया तो पी के देख ले, डर के आगे जीत है या नहीं है, ठीक है, मुझे तो लगता है। आगे है, देखो अब क्या करना, वैल्यू रखो यार, बातें बोलते हुए है ना, तो वैल्यू रखते हैं। अच्छा इस बार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी चीजें कहीं सही करके लिखा नहीं है। चलो माइनस वन प्लस वाई का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, बातें नहीं करना है। सेकेंड आपने निकाल के लाया है वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इन टू इसके साथ में कर रहा हूं माइनस वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, माइनस होता, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू, इसको पहले लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं भैया नहीं नहीं, 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 नहीं। वन बाई में आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये टर्म कैंसल आउट, ये टर्म इससे कैंसल आउट, आराम से ले दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वन बाई वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, माइनस वन यहां तो बचा हुआ कुछ नहीं, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस माइनस फाइनली जीरो, क्या मिला जीरो, तो डेल यू कॉमा वी बाई डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो। और इस तरीके से ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इंजॉय भी कीजिए, ठीक है, इंजॉय करना बहुत जरूरी है,
अभी इंजॉय नहीं करोगे तो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इंजॉय करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे थ्री वेरिएबल का, ठीक है।